हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। वापस से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुपर कूल सुपर डुपर सेशन में। लेट्स क्रैक नीट यूजी, लेट्स क्रैक इट स्टूडेंट्स। अगेन मैं आपसे मिल गई हूँ अनअकैडमी नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मैं आपकी एजुकेटर, नीट बायोलॉजी की एजुकेटर, आपकी एमबी मैम डॉक्टर मीतु भावनानी, जो की बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। और अब मैं आपको अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है, उस पे मैं आपको रेगुलरली मिल रही हूँ। देखो, हम लोग रेगुलर वन शॉट वन वीडियो कर रहे हैं, तो दोबारा कहूंगी सब लोग फटाफट से जुड़ जाओ। मैक्सिमम लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अभी मैं मेथड बताती हूँ धीरे धीरे कैसे जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो, ऑलरेडी इतने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और ये क्या जबरदस्त रिव्यूज मिले हैं अनअकैडमी को। जैसे ही आप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप वेरीड काइंड ऑफ कोर्सेज देख सकते हैं और उन्हें टॉप एजुकेटर्स द्वारा ले सकते हैं। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको नीट यूजी की तैयारी करनी है, आपको नीट पीजी की तैयारी करनी है, आपको एसएससी बैंक, वो सारे कोर्सेस अवेलेबल है। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नीट यूजी की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी मेन फोकस क्या है? नीट यूजी पर। तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, देन यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन, फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स, 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि आपको नीट यूजी की तैयारी करनी है, तो पूरी तैयारी के लिए आपको भरपूर मात्रा में वक्त होना चाहिए। आपका और मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरे अच्छे से रेगुलर लाइव क्लास दूंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, उसमें जो भी मुझे कोर्स कराने हैं, जैसे अभी मेरा वन शॉट वन वीडियो चलता जा रहा है, फिर यूनिट का मैराथन भी ले लेंगे, देन लाइव टेस्ट, देन अनलिमिटेड टेस्ट। टेस्ट में लेती ही लेती हूं, पर अभी मेरा क्या था कि पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, देन वी विल टेक सम क्वेश्चन। एक सब्सक्रिप्शन से, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उससे आप लाइव कोर्सेज भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हो। अगेन मैं कहूंगी 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। और आपको बेनिफिट क्या है? आपको मेरा कोड MB10 यूज करना है और आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको मैं सिर्फ बेनिफिट देने ही आई हूं अनअकैडमी, और अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट देगा, सिर्फ फायदा देगा। हम लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नुकसान कोई क्यों उठाना पसंद करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स, इसी पे ही जाना है। और MB10 आप मेरा कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आज हम कौन सा सेशन देखने वाले हैं? क्लास 11th का टॉपिक लिविंग वर्ल्ड देखने वाले हैं, जो कि वन शॉट वीडियो में देखेंगे। बार बार बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्लांट फिजियो क्यों नहीं उठा रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मेरा एक टाइम टेबल चल रहा था कि भाई पहले पहले ये टॉपिक्स उठाएंगे। तो जैसे मैंने माइक्रोब्स वाला उठा लिया, देन आज मैं वन शॉट में लिविंग वर्ल्ड वाला उठाऊंगी, देन फिर हम लोग, फिर मेरी क्या प्लानिंग थी, अब मेरी क्या प्लानिंग है कि पूरी प्लांट और एनिमल फिजियो लूंगी। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे एक दिन प्लांट फिजियो का टॉपिक हो गया, देन दूसरे दिन एनिमल फिजियो, देन जेनेटिक्स, देन बायोटेक्नोलॉजी। तो आपके जितनी भी परेशानियां हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी, ठीक है? इसमें से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते, अगर इसका वेटेज निकालो पूरा ओवरऑल, तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम बता रहा है कि हमें लिविंग कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? नीट एक्सिट 2021 में मैं इसको करवा चुकी हूं, अब मैं वन शॉट वीडियो भी करा रही हूं, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लिविंग क्या होता है। जैसे ये पेन है, ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं, तो आप मेरे में और पेन में किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करोगे? जो लिविंग होते हैं उनके पास लाइफ होती है, ठीक है? बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। लिविंग बींग्स को लिविंग बींग्स क्यों कहा? क्योंकि उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, वेरीड काइंड, पूरा बैक्टीरिया, मोनेरा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोनेरा से जितना एनिमिलिया तक जाओगे उतनी डाइवर्सिटी नजर आएगी, ठीक है? देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज,
नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब वन शॉट वन वीडियो हम लोग कैसे करते हैं, क्विक क्विकली करते हैं हम लोग इसको। तो मैंने आपको पूरा दिया हुआ है, ये चीज पूरी लिखी हुई है। अब मैं आपको सिर्फ मेन मेन की पॉइंट्स कराऊंगी जिससे कि वन गो में ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे ये पूरा एक प्लांट ले रखा है, ठीक है, ये प्लांट है, ये सॉइल है, दिस इज एयर एंड दिस इज लैंड, ठीक है। दे आर ऑल इंटरैक्टिंग, दे आर ऑल इंटरैक्टिंग, ठीक है। अब देखो लिविंग चीज क्या होती है, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा एक लिविंग है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने कहा कि जैसे बैक्टीरिया है, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स होते हैं, वो छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं, शेप में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, फॉर्म्स में, हैबिट में, हैबिटेट में। कैसे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये हर साइज के हैं, छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं। जैसे अगर हम लोग साइज की बात करें, सो माइन्यूट टू लार्ज, ठीक है। शेप की बात करूं तो सर्क्यूलर भी हो सकते हैं, ओवोइड, इलिप्सोइड, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल, गेटिंग माई पॉइंट। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेल्यूलर, एक सेल के बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और हैबिटेट में क्या है, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गए, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर रहने वाले, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, एरियल हो गए, ठीक है। हैबिट में बहुत तरीके के आते हैं, फोसोरियल, डिग, सॉइल में डिग करने वाले, कर्सोरियल, फास्ट रनिंग, ठीक है। अब देखो टू कॉम्पोनेंट्स मेक द वर्ल्ड, दीज आर द लिविंग कॉम्पोनेंट्स, जो मैंने ये सब बताया। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स में क्या आते हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, में एक मिनट कलर चेंज कर लूं क्योंकि फिर आपको लगेगा मैम एक ही कलर से लिख रही है। लिविंग कॉम्पोनेंट्स में क्या आएंगे, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया एंड वॉटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वन शॉट में देखो, मैंने ये सारे चैप्टर, मैंने आपको क्या बोला कि देखो बड़े बड़े चैप्टर्स भी करेंगे, लेकिन क्या होता है आपके पास हर नीचे हर चैप्टर का वेटेज है, तो अगर छोटे 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 बहुत सारे एक साथ कर लिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े को उठाएंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, इज इट क्लियर। इसलिए मेरे को क्या लग रहा है कि आपको क्या मिक्सचर होना चाहिए, मैंने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट कराया या मैं लिविंग करा रही हूँ, माइक्रोब्स कराया, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूं कि पूरे वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि नेक्स्ट अनाउंसमेंट सुन पाओ, पूरे टाइम मेरे साथ जुड़े रहना, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, 1 and 2 years आर बेस्ट, ठीक है। और ऐसे कहा गया है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, पहली बात तो यह है कि लाइफ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं कह रही हूं कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं एंड आई एम इंडोइंग लाइफ, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि लाइफ क्या होता है भाई, ठीक है हमने कहा लाइफ स्पैन है, हम लोग जीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और फाइनली सेनेसेंस करने के बाद मर जाते हैं। तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, ये सेल में भी पढ़ेंगे कि एक सेल हमेशा दूसरे सेल से आता है। उसके बाद
जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, जैसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। चाहे देखो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट सेल अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, चाहे एक सेल की बॉडी हो चाहे बहुत सारी सेल्स की बॉडी हो। तो सेल का होना बॉडी में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल ही ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, कहीं ना कहीं डिविजन करके ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। ये क्या है, ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अदर कैरेक्टर जरूरी नहीं है, ये भी क्या है, असेंशियल फॉर सर्वाइवल। गेटिंग माई पॉइंट। एंड फाइनली डेथ। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने वर्ड लगाया है एक्सक्लूसिव, यूनिक। हम जो भी कैरेक्टर देखेंगे, चाहे हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, ग्रोथ देखें, मेटाबॉलिज्म देखें, हर स्ट्रक्चर को हम लोग ये देखना पसंद करेंगे कि एक मिनट स्टूडेंट, हाँ हम हर स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखो जैसे चाहे कैरेक्टर सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो, चाहे कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, क्या हो स्टूडेंट्स, कुछ भी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड आप लोग मुझे देना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो अब जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जो देखो कोई भी कैरेक्टर अगर मैंने आपको बताया है, कोई भी अगर कैरेक्टर मैं आपको समझाना चाह रही हूं या बताना चाह रही हूं, तो वो कैरेक्टर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्यों यूनिक होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लिविंग को नॉन लिविंग से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट नॉन लिविंग। गेटिंग माई पॉइंट, डिफरेंशिएट नॉन लिविंग। अब देखो, नो सर्वाइवल विदाउट सेल। अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स का ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेल्यूलर। ये एक सेल का है, ठीक है, ये मल्टीपल सेल्स हैं। अब एक सेल का ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली बॉडी कैसी होगी, सिंपलर होगी। बॉडी कैसी होगी स्टूडेंट्स, सिंपलर होगी। मल्टी सेल्यूलर की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब सेल क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस हमें सरवाइव करने में मदद करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल का कनेक्शन किससे होगा, मेटाबॉलिज्म से। अब देखो यहां पर अगर प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होंगे। बायोमोलिक्यूल्स में आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स। गेटिंग माई पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, माइक्रो में हो गए मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, वाटर, सब कुछ बायोमोलिक्यूल्स है। और ये बायोमोलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में होकर लिविंग रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे अंदर लिविंग है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन क्या है, वायरसेस। वायरसेस क्या है, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग पे आते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये एटमोस्फेयर में है, बॉडी से बाहर है, होस्ट बॉडी के साथ नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है। अगर ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे तो ये लिविंग है। गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये बॉडी से बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, ये बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो लिविंग स्ट्रक्चर्स है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है।
मतलब जब तक बाहर है तो नॉन लिविंग है, जब तक अंदर आए तो लिविंग है। एज सच कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या सेलुलर स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सक्लूसिव है, क्या उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या उनमें कोई अपवाद नहीं है, आ चुका है। अब ऑर्गेनाइजेशन, सेल, ये एक सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बन गया, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन बन गया। हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, फिर देन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एस्की हेलमिंथीस से, ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सेल हो गया, मैंने कहा कि एपिथेलियल सेल्स ने क्या बनाया, एपिथेलियल टिश्यू। वो कौन से ऑर्गन पर है, सपोज करो लिवर पर है। अब लिवर, स्टमक, पैंक्रियास, भाई एपिथेलियल जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो तो हर ऑर्गन के बाहर की एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, ठीक है। ये ऑर्गन हो गए, फिर ऑर्गन सिस्टम में क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। बॉडी के हर एक सेल में एक केमिकल रिएक्शन चलती है, बॉडी के हर एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है। क्यों, क्योंकि सेल हैज बायोमोलिक्यूल्स, सेल्स के पास सबस्ट्रेट है, सेल्स के पास एनवायरमेंट है, सेल्स के पास प्लेटफॉर्म है, सेल्स के पास एंजाइम है, तो वो बड़ी इजीली केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बट नॉट एक्सक्लूसिव। देखो सेल में भी यही लिखा हुआ है मैंने कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बट नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ गया है। सेम हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग बींग को लिविंग बींग आप कह सकते हो, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन वो उनके लिए यूनिक प्रॉपर्टी नहीं हो पाती है, स्टिल एक्सेप्शंस आ जाते हैं। देखो इनसाइड ईच सेल केमिकल रिएक्शंस होगी, मेरी बॉडी एक मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी है जो कि नेचर ने खुद क्रिएट करी है। अगर मुझे लेबोरेटरी क्रिएट करनी होती है तो मैं रूम लूंगी, एलोकेशन करूंगी, मनी लगाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी एंड देन आई स्टार्ट द वर्क। लेकिन मेरी खुद की बॉडी एक केमिकल लेबोरेटरी है जिसमें इतने तरीके की रेगुलर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है, इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं देखा जाता। जैसे ये पेन है, पेन सेल की नहीं बनी हुई है, सेल नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म मतलब काटो, ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब ऐड करो। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ी चीज को आप काट के छोटी छोटी में कन्वर्ट करोगे, ब्रेक डाउन। यहां पर आप छोटी छोटी चीजों को ऐड करके एक बड़ी चीज बना लोगे, तो एडिशन। अब आपने बड़ी चीज को तोड़ा, उसके अंदर से भयानक एनर्जी निकल गई, एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पर आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के लिए, जैसे आप फ्रेंड्स अलग हो जाते हो, फिर मैंने अब किसी ने बोला कि नहीं जुड़ जाओ, तो जोड़ने के लिए क्या है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रॉपर एक बोलते ना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो एनर्जी को क्या है, जोड़ना है, एनर्जी को यूज करना है।
अगर नेचर में कहें तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म है और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन में मैं हाई एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ देती हूँ, फोटोसिंथेसिस में मैं हाई एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करती हूँ। ठीक है, रिएक्शन कैन अकर इन सेल फ्री सिस्टम इन टेस्ट ट्यूब, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, नॉट अकरिंग इन साइड बॉडी बट अ लिविंग रिएक्शन। आप कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन कराओ टेस्ट ट्यूब में, वो लिविंग रहेगी, फैट की कराओ वो लिविंग रहेगी, लेकिन वो लिविंग बॉडी के अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात आती है ग्रोथ की। हम कह रहे हैं ग्रोथ हो रही है, मैं छोटी सी थी बड़ी हो गई। ठीक है, ये सीड था, ये सीड है, सीड में से क्या हो गया, रूट आ गई। ठीक है, और ये प्लांट बन गया, तो सीड ने क्या करा, ग्रोथ किया। ये दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, यही कि यही प्लांट अगर आप चाहो कि थोड़े दिन बाद सीड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं मिलेंगे। हाँ, आप इस प्लांट को पॉलिनेशन कराओ, फर्टिलाइजेशन कराओ तो एम्ब्रियो सीड बन सकता है। तो इरिवर्सिबल, अगेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब कहीं ना कहीं अपवाद आ रहे हैं। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे ये देखो, ये इसके अंदर मास का इंक्रीमेंट होगा तभी तो एक पूरा प्लांट बना है। गेटिंग माई पॉइंट, हमारे में भी मास का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेल डिविजन होता है, सेल ग्रोथ होती है, डिविजन, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, फिर फाइनली हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सेल ग्रोथ इज द कॉन्सेप्ट। देखो, सेल की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ ऐसे भी हो सकती है, सेल की ग्रोथ ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, सेल डिविजन भी एक ग्रोथ कहलाएगी, सेल इनलार्जमेंट भी एक ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, प्लांट्स में अनलिमिटेड होगी, एनिमल्स में लिमिटेड होगी। ठीक है, ड्यू टू मेरिस्टेम, कौन सा मेरिस्टेम, जैसे अपाइकल हो गया, मैंने एनाटॉमी के वन शॉट में बता दिया था, अपाइकल हो गया आपका, इंटर कैलरी हो गया, देन और क्या होगा स्टूडेंट्स, अपाइकल इंटर कैलरी और होगा आपका लेटर। एनिमल्स में लिमिटेड होती है क्योंकि नो मेरिस्टेम। गेटिंग माई पॉइंट, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करेगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करेगा। देखो, लिविंग बींग्स में मैं कह रही हूं इंटरनल ग्रोथ हो रही है, इंट्यूसूसेप्शन। इंट्यूसूसेप्शन मतलब अंदर चीजों को एड ऑन करो, कोई चीज बेकार हो गई है उसको हील करो, सेल्स डैमेज हो गए उसको ठीक करो। ठीक है, तो इंट्यूसूसेप्शन, इंटरनल एडिशन ऑफ मटेरियल्स, इंटरनल। ठीक है स्टूडेंट, देखो चैप्टर इजी है, फटाफट वन गो में कर लेंगे, जाना नहीं है कहीं, मेरे साथ जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है, नॉन लिविंग एक्सटर्नल ग्रोथ। नॉन लिविंग क्या है स्टूडेंट, एक्सटर्नल ग्रोथ, जैसे ये एक सैंड ड्यून है, अब ये सैंड एड होती गई होती गई होती गई होती गई, बट इट कैन बी रिवर्सिबल। हवा चली, सैंड ड्यून गिर गई, जो ऊपर का एडेड चीज थी वो क्या हो गई, दोबारा वैसे हो गई। अब अगर ग्रोथ का रिलेशन हम लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से करें, भाई मेरी बॉडी में जो भी चल रहा है वो मेरी बॉडी को ही लग रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म होगा तब भी ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दोनों के एसोसिएशन से ग्रोथ डिसाइड होती है। अगर एडिशन कैटाबॉलिज्म से ज्यादा है, ऑब्वियसली आप बढ़ोगे। ठीक है, अब आप एक रोटी खाते हो, आप चार रोटी खाओगे, फर्क पड़ जाएगा आपको। नो ग्रोथ इक्वल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, नेगेटिव ग्रोथ, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, आप खाते तो हो पर आपकी बॉडी को लगता ही नहीं है, कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स एनाबॉलिज्म। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट एक्सक्लूसिव। यहां पर हमने नॉट एक्सक्लूसिव क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो नॉन लिविंग है दे आर ऑल्सो शोइंग ग्रोथ, सो नॉट डिफाइनिंग, नॉट एक्सक्लूसिव।
अगर आपके अंदर जो है वो किसी और में भी पाया जाएगा तो वो चीज आपके लिए एक्सेप्शन या एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगी। एक्सेप्शन मतलब यूनिक, इसी में ही है, इसके अलावा किसी और में नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ओन काइंड, ठीक है, जैसे डॉग रिप्रोड्यूस तो डॉग ही बना, कैट रिप्रोड्यूस तो कैट ही बना, ह्यूमन रिप्रोड्यूस तो ह्यूमन ही बना, ठीक है, ले देके गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पर यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, या एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट है, जो स्पर्म और ओवा से बनेगा एंड देन उससे न्यू लाइफ आएगी। तो हम किससे आए हैं, हम लोग एम्ब्रियो से आए हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, ये डीएनए से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है, क्रोमोजोम से रिलेटेड है, जीन्स। गेटिंग माई पॉइंट? आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो, सिंपलर ऑर्गेनिज्म हो, रिप्रोड्यूस कर सकता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, इवोल्यूटेड हो, मल्टी सेलुलर हो, कर सकता है, मोड अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं करते। भाई ठीक है, पेन है, पेन खुद से एक और ऐसा पेन नहीं बना सकता, मैं इसके पास में दूसरा पेन रख सकती हूं। अब जब नॉन लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसको क्यों एक्सक्लूसिव नहीं कहा, आगे बताती हूं। एसेक्सुअल से भी हो सकता है, सेक्सुअल से भी। एसेक्सुअल मतलब सेक्सेस एब्सेंट, सेक्सेस एब्सेंट मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं तो गैमिट नहीं बनता है, तो नो गैमिट फॉर्मेशन, नो गैमिट फ्यूजन, सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। बट सम लिविंग कांट रिप्रोड्यूस, सो नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब लिविंग्स की प्रॉपर्टी है और लिविंग बींग्स में ही एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल हो गए, इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डॉग अगर डॉग के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो एक और डॉग बनेगा और वो फर्टाइल है, वो आगे भी एक नया डॉग बना देगा। तो आपको क्या करना है, स्पीशीज के बीच में एक बोलते ना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना है। एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं, पर एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरी डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर करवा देते हो, जैसे डोंकी को हॉर्स के साथ करवाया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या बना, म्यूल, रिजल्ट क्या बना, म्यूल, पर ये इनफर्टाइल है, ये आगे चल के प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। उसके बाद वर्कर भी कांट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल ह्यूमन ड्यू टू एनी प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, मल्टीपल इसके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी गैमेट प्रोड्यूस नहीं करती है, कहीं ना कहीं गैमेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो अपवाद आ गया, तो नॉट एक्सक्लूसिव बट डिफाइन, ठीक है। अब आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयरनेस। यहां पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बट एक्सक्लूसिव, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है जो ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, नॉट शेयरेबल। सेल्फ अवेयरनेस, मैं चल रही हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है, आई एम अवेयर। यहां पर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन, स्टिमुलाई को रिसीव करना और रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलाई एक क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स एक आंसर, ठीक है। आसपास चीजों को, एनवायरमेंट को सेंस करना, जैसे गाजर का हलवा बन रहा है, हम लोगों ने सेंस कर लिया, नाक से खुशबू आ रही है, उसको टेस्ट कर लिया, आंखों से देख लिया, सो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, सो दे एग्जिबिट फोटो पीरियोडिज्म, कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। गेटिंग माई पॉइंट? चाहे बैक्टीरिया हो या टिल एनिमल्स हो, सब स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं कैसे करके
देंगे। ह्यूमंस के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। जैसे मेरे पे किसी ने गर्म पानी डाल दिया, मुझे समझ आएगा, मेरे सामने कोई डेंजर है, कोई शेर आ गया, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। पीछे से कोई चल रहा है, खटपट होती है, मुझे पता चल जाता है, मैं बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, सब कुछ सेंस कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा पेन, मैंने पेन को गिरा दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं पेन पे ठंडा पानी डालू, मैं गर्म पानी डालू, मतलब ना तो उसको पेन हो रहा है, ना उसको कोई सेंस हो रहा है, ना वो टेम्परेचर सेंस कर रही है। मतलब दिस पेन इज डिवॉइड ऑफ रिसेप्टर्स, वी आर हैविंग रिसेप्टर्स, ठीक है। इनके थ्रू हम स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और देन ओके मसल्स के थ्रू हम देते हैं रिस्पॉन्स को, लेकिन सबसे पहले रिसीविंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो क्या है, सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गए हैं। अब देखो, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन पूछूं, देखिए अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे बॉडी में हीलिंग एंड रिपेयर होती है, आपको चोट लग गई, आप ठीक हो गए। देन प्रॉपर्टी हो सकती है कि हम लोगों ने एक बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का मेंटेन रहता है। जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड। बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, गर्मी है बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है, सर्दी है बहुत सर्दी है, लो टेम्परेचर है, लेकिन मेरी बॉडी का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस। कभी कभार मुझे कोई बुखार आ रहा है, मुझे एबनॉर्मलिटी है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, पर वैसे मेरी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा। चाहे मैं कुछ भी करके मेरी बॉडी में एडजस्टमेंट्स करूंगी, लेकिन मैं अपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखूंगी, मैं कभी भी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखकर उसको चेंज नहीं करूंगी। एडॉप्टेशन, चीजों को एक्लिमेटाइज करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना, ठीक है। फिर फाइनली जैसे हो जाती है डेथ हो गई पेशेंट की, तो डेथ का मतलब क्या होता है, डेथ का मतलब है नो मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इज सीज्ड, ओके, ऑल थिंग्स स्टॉप्स। ऑल थिंग्स क्या हो गई हैं स्टूडेंट्स, स्टॉप हो गई हैं, ठीक है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी, आपको ये चीजें बस, ये दो, इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे हम अगर एनिमल किंगडम को देखें तो आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इसके अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उतने पूरे एनिमल किंगडम में नहीं है, उतने पूरे प्लांट किंगडम में नहीं है, उतने फंजाई नहीं है, उतने बैक्टीरिया नहीं है, उतने प्रोटिस्ट नहीं है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। मोलस्का, दे ऑल फाइलम्स अंडर एनिमल किंगडम, और ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, इनके पास नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, ठीक है। मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर हमें इनकी स्टडी करनी है, अगर हमें इनकी स्टडी करनी है तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है फॉर इजी स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ बेटर वे। हमें ऑर्गेनिज्म को पहचानना आना चाहिए, उसको ग्रुप करना आना चाहिए, उसको नाम देना आना चाहिए। जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं उनको सब पे अटेंशन देना चाहती हूँ, तो मैंने उनको अल्फाबेट वाइज क्लासिफाई कर दिया कि ए वाले सेक्शन ए में बैठ जाओ, बी नेम वाले सेक्शन बी में बैठ जाओ। तो क्लासिफिकेशन के लिए यू शुड नो द बेसिस, और बेसिस कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी में ब्रांचेस पढ़नी है, किन किन ब्रांचेस में, बायोलॉजी की किन किन ब्रांचेस में मैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करूंगी, क्लासिफाई करूंगी और उनको नाम दूंगी। नाम इसलिए जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मेमोराइजेशन, मुझे पता हो। जैसे मैंगो का नाम मेंजीफेरा इंडिका है, तो मैं उस हिसाब से उसका फाइलम भी ढूंढूंगी, उसका क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब कुछ ढूंढूंगी, ठीक है।
अब आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है टैक्सेस अरेंजमेंट, प्रॉपर लॉज को फॉलो करो, रूल्स को। ऐसा नहीं कोई भी आपने रूल ले लिया, कोई भी हाइटोबा कर ली, हैपजर्ड फॉर्म में आप ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ रहे हो। एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न, पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन, पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अगर सिर्फ टैक्सोनॉमी की बात करूं तो फर्स्ट टाइम टैक्सोनॉमी का जो टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया था, समझने की कोशिश किसने की थी, एपी डी कंडोल ने। ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब सिस्टमेटिक, अब क्या है, टैक्सोनॉमी बोलो, सिस्टमेटिक्स बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, ऑल आर सिनोनिम्स, तो यू कैन इंटरचेंज इट विद टैक्सोनॉमी। आप क्या क्या तरीकों से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखकर, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख लो। इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या आएंगे, इंटरनल कैरेक्टर्स में आपको ले देके सेल को उठाना है। सेल देखोगे तो ऑर्गन भी आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री भी आएगी, उनके अंदर के रिएक्शंस भी आएंगे, तो ये तीनों आ गए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब एंसेस्ट्रल कॉन्टेक्ट्स, आपके पूर्वजों से रिलेशन निकालते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एरिस्टोटल एंशियंट टाइम, बहुत एंशियंट टाइम की बात है, वो फर्स्ट टाइम, अब जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो इनिशियली प्लांट्स और एनिमल से दिखे उनको, तो उनको जो दिखा उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल लैंड, एक्वेटिक वाटर एंड एरियल एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में, इजी सा टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं, जाना नहीं है कहीं। थियोफ्रेसिस फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट्स को किया इन लोगों ने, ठीक है, हर्ब्स श्रब्स अंडर श्रब्स एंड ट्रीज में, छोटे मीडियम बड़े। उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस, मैनी रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैरोलस लीनियस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मैनी क्वेश्चंस इन नीट, ठीक है, मैनी रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिज्म विथ टू नेम, और ऐसे नहीं दे सकते कोई दो नाम, आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। विथ टू नेम्स, पहले नेम को जीनस कहेंगे, दूसरे नेम को स्पीशीज। कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं आगे रूल्स में बताऊंगी। इन्होंने प्लांट्स की 5900 स्पीशीज को नाम दिया और इस बुक में लिखा इन दिस ईयर। क्वेश्चन, 5900 स्पीशीज को इन्होंने नाम दिया और बुक लिखी स्पीशीज प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट। 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को नाम दिया इस बुक के अंदर ये ईयर में, मतलब पहले प्लांट्स को नाम दिया उसके बाद एनिमल्स को नाम दिया। 1753 के बाद हम लोग 1758 पर आ रहे हैं। दे आर यूज, ये जो सिस्टमा जो वर्ड है वो इन्होंने सिस्टमेटिक से यूज किया था। गेटिंग माई पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आया है कि सिस्टमा नेचुरे किस टर्म से आया है, सिस्टमेटिक से। उसके बाद टैक्सोनॉमी दो तरीके की होती है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का सिंपल मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। गेटिंग माई पॉइंट। अब ओल्ड टैक्सोनॉमी आई है, ऑर्गेनिजम्स इतने डेवलप नहीं है। देखो साइंटिस्ट को अगर इंटरनल स्ट्रक्चर से क्लासिफाई करना है तो इंटरनली पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, इंटरनल पढ़ने के लिए
माइक्रोस्कोप जरूरी है। क्या पता इस टाइम पे माइक्रोस्कोप की इतनी स्टडी नहीं हुई हो, तो उन्होंने कहा था कि बाहर बाहर से जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उस हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन्होंने स्पीशीज के बारे में कॉन्सेप्ट सुना, स्पीशीज का इन्होंने टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि स्पीशीज स्टेटिक होती है, स्पीशीज एक ही जगह रिप्रोड्यूस करती है, स्पीशीज आगे बढ़ती ही नहीं है, पर इनकी थ्योरी फेल हो गई। स्पीशीज कभी भी स्टेटिक नहीं होती है, स्पीशीज डायनामिक होती है। ठीक है, तो यहां पर एरिस्टोटल के साथ और कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस एंड लीनियस। अब न्यू टेक्सोनॉमी, जिसको आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी या बायोसिस्टमेटिक्स भी कहते हो, टर्म बाय जूलियन हक्सली, क्वेश्चन देखो, ईयर देखो कितना लेट आया, 1940 में आया, ईयर भी देखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म का हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, नाक, आंखें, बाल, हाथ पैर को देख के बोला। एनाटॉमी, टिश्यू स्टडी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब पूरा सेल के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स। फिजियोलॉजी, सारे मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, राइट फ्रॉम डाइजेशन टिल रिप्रोडक्शन। इकोसिस्टम, एसोसिएशन ऑफ बायोटिक विद एबायोटिक्स, जेनेटिक्स, जीन से रिलेटेड होगा, और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से रिलेटेड। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग तरीके का एम्ब्रियो है, उसकी स्टडी करो। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्पीशीज डायनामिक होती हैं, एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग नॉमिनक्लेचर की बात करें, नॉमिनक्लेचर बहुत जरूरी है। अब देखो, इनिशियली जैसे हम लोगों ने एक दूसरे का नाम बोला, मेरा नाम नीतू है, किसी का नाम प्रिया होगा, किसी का नाम आशीष होगा, किसी का नाम निकिता होगा, किसी का नाम अर्पिता होगा, ऐसे सबके नाम होते हैं, उससे आप पहचान लेते हो। कभी कभार नेम कॉमन भी हो सकते हैं, नीतू नाम की एक लड़की भी हो गई, अर्पिता नाम की एक लड़की भी हो गई। तो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर नाम देना है तो दो वे से देख सकते हो। एक तो होता है आपने इजी वे में कॉमन नाम दे दिया, जिसको वर्नाक्युलर नेम बोलते हैं, यूनिनोमियल मतलब कंपोज्ड ऑफ। अगर मान लो मोनोनोमियल लिखा है तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, यूनिनोमियल, कंपोज्ड ऑफ वन नेम, सिर्फ और सिर्फ वन नेम। ठीक है, लोगों ने कहा कि हम ऑर्गेनिज्म को अपने अकॉर्डिंग नाम देंगे। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो मैं इंग्लिश में दे देता हूं, हिंदी में आती है तो हिंदी में, गुजराती या मराठी, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, जिसको जो भी लैंग्वेज पसंद थी, जो लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, अब नेम गिवन टू ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिक्युलर लैंग्वेज, जिसको जो लैंग्वेज आती है उसने उस लैंग्वेज में उसका नाम दे दिया। ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म ने कहा कि अगर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कांटे हैं, ठीक है, कांटे हो रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने कांदियाली नाम दे दिया। लोगों को ये नाम बहुत आसान लगे, वो इजिली बोल पाते थे, रिमेम्बर कर पाते थे, और छोटे से थे और फैमिलियर थे। मुझे जो लैंग्वेज आती है, अगर उसी लैंग्वेज में भी सामने वाला बोलेगा तो मैं ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाऊंगी। ठीक है, पर ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने बोला सिल्वर फिश, तो लोग समझे अच्छा इसका नाम सिल्वर फिश है तो ये सिल्वर कलर की फिश होगी, ले देखे बात तो ये आती है कि वो फिश ही नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हिंदी में उसे गुलाब कहते हैं, ठीक है, बांग्ला में उसे गुलाब कहते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नेम्स हो गए। ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीपल नेम्स, ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीपल नेम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसको जो लैंग्वेज आई उसने उस लैंग्वेज में नाम लिख दिया। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आया साइंटिफिक नेम, ये नॉट एक्सेप्टेड।
गेटिंग माई पॉइंट? अब एक्सेप्ट कैसे करें? अब जैसे मैं वेस्ट बंगाल में गई, मैंने तो बोला गुलाब दे दो, वो बोले नहीं गुलाब तो मैं पता ही नहीं क्या होता है। अब पहले मैं समझाऊं कि नहीं, गुलाब को बांग्ला में गुलाब कहते हैं, तो इट इज नॉट वेरी पॉसिबल, इट इज नॉट हाईली एफिशिएंट एंड नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो साइंटिफिक नेम क्या किया, इनको इस तरीके से दिया कि इनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिले। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो जो पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है, अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है? सो प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम मतलब साइंटिस्ट देंगे, ठीक है? स्पेसिफिक होंगे बाइनोमियल, और इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, लीनियस सर। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम जीनस कहलाएगा, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज कहलाएगा, और अगर थर्ड वर्ड होता है तो आप उसको वैरायटी बोलते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो जीनस वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। पहला आपने नाम लिखा है, टू नेम्स है, टू नेम्स है, क्या है स्टूडेंट्स, टू नेम्स है। फर्स्ट है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। सपोज करो मैंने नाम दिया मेंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है जो सिर्फ मैंगो को ही दिया जाता है। मैं टोमेटो पोटैटो को नहीं बोल सकती मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है? तो पहला जो लेटर है जीनस का वो क्या होगा, कैपिटल, बाकी का सारा क्या होगा, स्मॉल। ये स्पीशीज है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा, बाकी सारे स्मॉल। लेने का मतलब क्या है कि जीनस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखोगे, बाकी सब स्मॉल में लिखोगे, और स्पीशीज को पूरी तरीके से आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, ठीक है? अभी मैंने बता ही दिया कि प्लांट के नेम 1753 में इस बुक में लिखे गए, एनिमल के नेम 1758 में इस बुक में लिखे गए। तो प्लांट से आप प्लांटेरम को याद रख लो और सिस्टमा से आप सिस्टमेटिक्स याद कर लो, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए बॉडीज को डिसाइड किया गया, वरना अदरवाइज अगर हमें किसी चीज को एक्सेप्टेबल बनाना है तो उसपे गवर्न, बोलते ना कि कमांड भी होना चाहिए, गवर्निंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वरना फिर तो लोग अपने हिसाब से, भाई यूनिनॉमियल कॉमन या वर्नाक्युलर नेम्स में किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, तो लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। जब तक कंट्रोल होता है चीजें मैनेजेबल फॉर्म में चलती है, ठीक है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बोटैनिकल मतलब प्लांट्स, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स, गेटिंग माई पॉइंट? ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरिया। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस। और जब आप कल्टीवेटेड प्लांट्स करोगे, हॉर्टिकल्चर करोगे, आप उनको ग्रो करोगे, उनसे पैदावार बढ़ाओगे, तो ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो, अब रूल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मेन मेन चीजें, दो वर्ड्स का होना चाहिए, जेनेरिक एंड स्पीशीज। टू स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जेनेरा कैन नॉट हैव सिमिलर स्पेसिफिक नेम्स। जैसे सेम जेनेरा है, मैंने लिखा जेनेरा है सोलेनम ट्यूबिरोसम, भाई बहुत सारी स्पीशीज एक जीनस में आ सकती है ना, और सोलेनम मेलोनजिना, या मैंने कहा पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पार्डस, तो स्पीशीज अलग अलग है पर ऑल टुगेदर कम्स इन वन जीनस पेंथेरा, ठीक है? तो कॉमन जीनस। जेनेरिक नेम सबसे पहले लिखोगे, बाद में स्पेसिफिक नेम लिखोगे, ठीक है? उसके बाद जैसे किसी नेम को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उनका नाम आप लास्ट में लिखोगे। जैसे पहले आपने क्या लिखा, जीनस लिखा, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, देन साइंटिस्ट नेम। लास्ट में एक एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो वर्ड्स हैं,
ये कौन सी लैंग्वेज से आए हैं? ग्रीक और लेटिन, क्योंकि ये क्या है, डेड लैंग्वेज है। जैसे कोई वर्ड ग्रीक से आया मेरिस्टेम, तो वो मेरिस्टेम वर्ड सालों से मेरिस्टेम ही चल रहा है, उसको किसी ने भी चेंज नहीं किया है, डेड है। आप मेरिस्टेम का कोई सिनोनिम दे सकते हो, लेकिन मेरिस्टेम को प्रॉपरली दूसरे नाम से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर रिप्लेस हुआ भी नाम, तो काफी टाइम बाद आगे चलकर होगा, ठीक है। अब अगर जो भी जिस भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, आप उनका नेम क्या लिखोगे? रोमन में लिखोगे, रोमन स्क्रिप्ट में। दूसरी बात, अगर आप इसको टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, टाइप कर रहे हो, तो आप इटैलिक्स में टाइप करोगे। आपके पास एक ऑप्शन आता है ना, एक बोल्ड का आता है, एक अंडरलाइन का आता है, एक इटैलिक्स का आता है, आप इसको चुनोगे, ठीक है। तो राइटिंग कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी ऐसी, ठीक है, थोड़ा सा आपका टिल्ट बेंड होता है। और अगर आप हैंड राइटिंग खुद से लिख रहे हो, तो नॉर्मल लिखो, पर दोनों को क्या करो, सेपरेटली अंडरलाइन करो, ठीक है, ऐसे, एक साथ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 1753 से पहले अगर नाम दिए जाते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। 1758 से पहले नाम दिए जाते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पर 1753 से पहले जितने भी प्लांट्स को नाम दिए, नॉट एक्सेप्टेबल। 1758 से पहले जितने भी एनिमल्स को नाम दिया, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगेन, स्पीशीज रिवाइज नेम ऑफ ओरिजिनल वर्कर इज रिटन। ऐसे पार्शियलिटी नहीं करेगी, लीनियस सर है, उन्होंने कोई नाम दिया, फिर दूसरे साइंटिस्ट वगैरह ने उनको हटाओ, नहीं, पहले नाम का कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना दूसरे साइंटिस्ट का दिया होगा, ठीक है ना। तो ये इटैलिसाइज्ड, हैंड रिटन। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सिर्फ जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हो, या ऑथर के साथ आप रिवाइज्ड ऑथर का नाम भी लिख रहे हो, तो आप अंडरलाइन नहीं करोगे, ठीक है, रिवाइज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? या तो क्या करो, आप पूरा लिख लो, या फिर रोमन में लिख लो, मींस इन एब्रीविएशन फॉर्म। अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब पोजीशन, स्टेटस, रैंक। पोजीशन, स्टेटस एंड रैंक, कि हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर तरीका होता है क्लासिफाई करने का, जिसको बोलते हैं हायरार्की। तो प्रपोज्ड बाय लीनियस, इसे बोलते हैं लीनियन हायरार्की। मतलब चीजों को किसी एक डेफिनेट, एक प्रॉपर डेफिनेट सीक्वेंस में, पैटर्न में अरेंज करना, या तो लो से हाई, या फिर हाई से लो, या तो डिसेंडिंग पैटर्न में, या फिर असेंडिंग पैटर्न में। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इन्होंने बोला कि जैसे हम लोगों ने कोई भी एक रैंक को ले लिया, उसको ऊपर रख दिया, फिर नीचे 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 करके, तो एक रैंक तो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में आएगी, और एक रैंक सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी में आएगी। तो इस तरीके से 7 ऑब्लिग्रेट कैटेगरीज को निकाला, ये है वो। क्या होंगी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज? किंगडम, फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स के केस में फाइलम को डिविजन कहा जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो किंगडम भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या हायरार्की है, सेम विद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहला सकती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहला सकती है, पोजीशन, स्टेटस, रैंक, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? एक ब्रॉड टर्म है। अगर उसके अंदर डालूं तो देखो, कैटेगरी क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, और उसके अंदर क्या आता है? टैक्सोन नैरो टर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? मेयर डिफाइंड टैक्सोन, सिंसन रिकॉग्नाइज्ड टैक्सोन, ये दो साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेयर एंड सिंसन।
गेटिंग माई पॉइंट? अब आपने कहा कि मैम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आ गई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोन का मतलब होता है कि किंगडम के अंदर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ डाल दोगे तो वो उसका टेक्सोन हो गया। फाइलम के अंदर आपने डाल दिया तो वो उसका टेक्सोन हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करो किंगडम का तो हम कोई पर्टिकुलर टेक्सोन नहीं कह सकते, जैसे फाइलम है तो फाइलम क्या है? फाइलम एक कैटेगरी है, फाइलम एक हायरार्की है, फाइलम एक पोजीशन, स्टेटस, रैंक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी फाइलम के अंदर लिखती हूं कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सोन। ठीक है, अब जैसे डिवीजन है तो डिवीजन एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, लेकिन अगर उसी डिवीजन में मैं कहती हूं थैलोफाइटा या एंजियोस्पर्म कह देती हूं या कोई फैमिली डाल देती हूं तो टैक्सोन। मतलब पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आएगी फिर उसके अंदर का टैक्सोन आएगा। ठीक है, अब हम लोग इनको अगर एक एक को ढंग से देखें, अब देखो स्पीशीज क्या है। जॉन रे ने स्पीशीज को टर्म दिया, टर्म जॉन रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पता नहीं कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया है। तीन तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया। फर्स्ट लीनियर सर ने मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, सेकेंड डार्विन सर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया और थर्ड अर्नेस्ट मेयर सर ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड था। स्पीशीज को हर साइंटिस्ट ने अपने लेवल पे पढ़ा। लीनियर सर ने कहा मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिसेम्बलिंग ईच अदर इन मोस्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो आगे जाके बोला कि सिर्फ कैरेक्टर्स पे स्पीशीज को मैच करते हैं और कुछ नहीं करती स्पीशीज। फिर डार्विन सर आए, उन्होंने बोला इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड विद ईच अदर अंडर नेचुरल कंडीशन बट आर अनेबल टू ब्रीड विद मेंबर ऑफ टोटली डिफरेंट स्पीशीज। ये तो सही बात है, डॉग डॉग के साथ करेगा रिप्रोडक्शन बट डॉग कैट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर सर ने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्पीशीज क्या है? सबसे लोअर मोस्ट बेसिक कैटेगरी और कहीं ना कहीं ये सेकेंड पार्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर बनाती है, नॉमिनक्लेचर। ठीक है, अब आता है जीनस। बहुत सारी स्पीशीज मिलाकर एक जीनस में डाल दो तो जीनस स्पीशीज से ऊपर है, मतलब जीनस हायर यूनिट लार्जर देन स्पीशीज। ठीक है, सो स्पीशीज स्पीशीज एंड स्पीशीज ऑल टुगेदर इन वन जीनस, गेटिंग माई पॉइंट। और इनमें क्या होंगे? सिमिलैरिटीज होंगी, इनमें क्या होंगी? सिमिलैरिटीज होंगी, सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, डिसिमिलैरिटी कम होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब जैसे जीनस हो गया, इससे ये देखो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनजेनम, पॉलीटाइपिक स्पीशीज मतलब हैविंग मोर देन वन स्पीशीज। और पॉलीटाइपिक में क्या आएगा? जैसे पैंथेरा, लियो, पार्डस, एंटीग्रिस। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पॉलीटाइपिक स्पीशीज, मेनी डिफरेंट स्पीशीज इन वन जीनस। उसके बाद फैमिली, यूनिट लार्जर देन जीनस, सो जीनस 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 मिलाकर एक फैमिली बनेगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जेनेरा ऑफ कैट क्या है? फेलिस, फेलिस, फेंस। इसके अंदर बहुत तरीके की स्पीशीज आ गई। ठीक है,
इसमें भी बहुत तरीके की स्पीशीज आ गई, तो इन दोनों को मिलाकर एक फैमिली में डाला फेलिडे। गेटिंग माय पॉइंट? अब ऑर्डर मान लो, बहुत सारी फैमिली 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 एंड फैमिली मिलाकर क्या बना, एक ऑर्डर में डाल लो, ठीक है। उसके बाद फैमिली ऑफ कैट्स फेलिडे और कैनिडे, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स, तो इनमें क्या है, सिमिलैरिटीज हैं। अब एक पॉइंट और बताऊंगी, पहले इसको सुन लो, यूनिट लार्जर देन ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखो ये चीज हो गई, इसको लिख लो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑर्डर एंड ऑर्डर मिलाकर एक क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्डर चिरोप्टेरा एंड ऑर्डर रोडेंशिया, जिसमें रैट्स आते हैं, जिनके पास एंटीरियर टीथ होते हैं खोदने के लिए, क्लास में मिल लिया। उसके बाद डिवीजन और फाइलम, सारी क्लासेस को मिला लो, क्लास क्लास एंड क्लास, क्लासेस एव्स रेप्टिलिया में मिले, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, और बहुत सारे फाइलम या फिर डिवीजन को मिला लो, ठीक है। जैसे फाइलम पोरिफेरा, सीलियंट्रेटा, आपका टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्का हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, सारे एनिमल किंगडम में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, चेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट किंगडम, ठीक है। इतनी बात समझ में? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स या जिन्हें कोरिलेटेड फैक्टर्स कहते हैं, कोरिलेटेड फैक्टर्स डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर किंगडम से स्पीशीज पे जाएंगे तो इंक्रीजेस, ठीक है। अब बात आती है कि अगर टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए थोड़ी और मदद हो जाए तो बुरा है? नहीं, मतलब पढ़ने का मतलब यह है कि आप स्पीशीज को कलेक्ट करो, उनकी नॉलेज लो, उनकी स्टडी करो, नॉलेज एंड स्टडी ऑफ स्पीशीज। गेटिंग माय पॉइंट? उसके लिए हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया ही आया है किसी न किसी रीत में। हर्बेरियम क्या होती है? हर्बेरियम का मतलब, जैसे आप बचपन में करते हो, एक फूल ले लिया, फूल को आपने कॉपी के अंदर रख दिया और बहुत टाइम तक उसको रख दिया, तो वो फूल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, पिचक जाएगा और हमेशा के लिए उस पर अपनी एक छाप छोड़ देगा, तो ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, लेकिन आप डेड प्लांट स्पेसिमेन लोगे, और डेड वो भी, जैसे मान लो जैसे आपने कोई लिविंग पत्ती ली, उसको प्रिजर्व किया, तो वो थोड़ी देर बाद डेड हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक वेल डिफाइंड हर्बेरियम शीट लोगे, वेल डिफाइंड हर्बेरियम शीट लोगे, उस पर आप कोई भी स्पेसिमेन लगाओगे, ठीक है, और वेरियस इंफॉर्मेशन लिखोगे। साइज क्या होगी हर्बेरियम शीट की, 32x45 सेंटीमीटर। ये आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये एक्टिविटीज आपको हमेशा कराई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें इंफॉर्मेशन में होंगी, इंफॉर्मेशन डेटा। जैसे आप हो, मैंने कहा एक रोज का फ्लावर लेकर आओ, तो कौन से डेट पे आपने कलेक्ट किया, कौन सी जगह से कलेक्ट किया, ठीक है, उसका लोकल या बोटैनिकल, मतलब मेनली हम लोकल नेम और बोटैनिकल नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे और किसने कलेक्टेड किया, मतलब आपका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वेरी लार्ज हर्बेरियम मेंटेन्ड बाय बोटैनिकल गार्डन, जैसे बहुत बड़ा गार्डन है, आप विजिट करने गए तो किसी ना किसी बड़े बोटैनिकल गार्डन में आपको हर्बेरियम दिख जाएगा, ठीक है। इसका फायदा क्या है, जैसे आप देखो ये जो चीजें ना, ये एक्चुअली आपको अलाउ कर रही है कि आप रिसर्च करो। जैसे आप रिसर्च करने के लिए, आपने देखा कि मैम ये फ्लावर को सिर्फ एक दो ही दिखाए, मतलब ये इनडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ सकते हैं, तो क्या अगर मैं इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम करा दूं तो रिप्रोडक्शन से उसका नंबर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है।
आपको पता चलेगा कितनी वैरायटी है प्लांट्स में, कितनी डाइवर्सिटी है। सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो कितना इकोनॉमी, मतलब सारी चीजों की नॉलेज आपको पता चलेगा क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, आप खोज रहे हो। लार्जेस्ट हर्बेरियम रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये लंदन में सिचुएटेड है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम सिप्पर कोलकाता में है। नीट में काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। अब बोटेनिकल गार्डन मतलब आपने लार्ज एरिया ले लिया है और मेनली आप लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन कर रहे हो। तो हर्बेरियम में क्या है, हर्बेरियम में यू आर डीलिंग विद डेड प्लांट्स। बोटेनिकल गार्डन्स में आपने लिविंग जैसे सीड लिया, उसको उगा दिया, आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। वेरिएड काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज को आप रख सकते हो, ठीक है। उनको एक देखो, जैसे ये एक हर्बेरियम का है, ये हर्बेरियम है, ठीक है। किसी भी स्कूल का ले लो, इसमें ये हर्बेरियम शीट्स रखी हुई है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने बनाई है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ रखी हुई है। ये प्रॉपर क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बोटैनिकल गार्डन मतलब इंडियन नेशनल बोटैनिकल गार्डन, हावड़ा इंडिया, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन सिप्पर कोलकाता। अब म्यूजियम के बारे में बात आ जाती है। म्यूजियम में भी हम लोग डेड ही रखते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन डेड, प्रिजर्व करने के लिए, नॉलेज रखने के लिए, ठीक है। हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन टू फॉर नॉलेज, एक तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चलता है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। गेटिंग माय पॉइंट। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है। ये विजिटरी भी है, विजिटरी भी हो सकता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और अगर आप जाओगे देखने तो थोड़ा सा वो आपसे फीस भी लेंगे, सो अर्निंग, कोई टिकट हो गई तो थोड़ा बहुत हो गया। अब देखो की क्या होती है, की का मतलब होता है क्लू, क्लू मतलब चाबी, एक तरीके से एड है ये। की का मतलब क्या होता है, कपलेट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। दैट मींस जैसे कोई एक की है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हर एक स्टेटमेंट में दो कैरेक्टर्स होंगे और दोनों आपस में कंट्रास्टिंग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक हाँ होगा तो एक ना होगा। अब कैसे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे देखो ये हो गई की नंबर वन। आपको किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है और आप की से क्लू लेते लेते, लीड लेते लेते आगे बढ़ोगे। देखो ईच स्टेटमेंट इज अ लीड, आपके पास क्या है, मैं ये कह सकती हूं कि की के पास टू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर एक रॉन्ग होगा तो दूसरा डेफिनेटली राइट होगा, और राइट से आपको क्या मिलेगी, लीड मिलेगी, आप आगे बढ़ पाओगे, धीरे धीरे क्लू मिलते जाएंगे, आगे बढ़ोगे तो ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी आपको हेल्प कर रही है ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, पहचानोगे तभी तो क्लासिफाई और नॉमेनक्लेचर कर पाओगे। सपोज करो की वन है, उसके पास कोई स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल, दूसरा स्टेटमेंट है नॉट सेल वॉल। आपने ऑर्गेनिज्म को जब थोड़ा सा देखा था तो आपने सोचा कि नहीं यार, मैं तो ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढूंगा जिसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला राइट हो गया। अब यहां पर लिखा है गो टू की नंबर फोर, मतलब ना तो आपको दो पे जाना है ना तो आपको तीन पे जाना है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप सीधे किस पे कूदे, की नंबर फोर पर, ठीक है। की नंबर फोर पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस, डोंट हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, अगेन की नंबर फोर स्टेटमेंट, टू कैरेक्टर्स, कपलेट हैज
एक्सोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब आपके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के पास हैज एक्सोस्केलेटन है और ये गलत है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से गए, फिर लिखा है यहां पर आपको लीड मिली, अब सीधे की नंबर 9 पे गए, मतलब ना तो 5 देखनी है, ना 6 देखनी है, ना 7 देखनी है, ना ही 8 देखनी है। की नंबर 9 पे लिखा है, क्या लिखा है, अगेन स्टेटमेंट, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जॉइंटेड अपेंडिजेस, जॉइंटेड अपेंडिजेस माइनस जॉइंटेड अपेंडिजेस। आपने बोला नहीं, जॉइंटेड अपेंडिजेस है। फाइनली आपको ये कंक्लूजन मिल गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर्थ्रोपोड। किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई है, इंसेक्ट आइडेंटिफाई। आपको पता चल गया ऑर्गेनिज्म। देखो कितने मिनटों में मैंने ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है और ये इस तरीके से कहीं लिखा नहीं हुआ है, समझाने पर मैंने की को समझा दिया है। तो की नंबर 1 स्टेटमेंट लीड, की नंबर 2 स्टेटमेंट लीड। तो आपको धीरे धीरे चाबी से क्लू मिलते जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने सेशन पूरा देख रहे हो और उधर नहीं भाग रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग कल से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने अनाउंस कर दिया है। ये पहले के चैप्टर चल रहे थे, मैंने एक पूरी स्ट्रेटेजी थी उसको बिगाड़ना नहीं था, मैंने इसलिए चैप्टर ले लिया है, माइक्रोब लिया, ये चैप्टर लिया, फिर मैं अब प्लांट फिजियोलॉजी ले लूंगी। इसलिए सेशन में रेगुलर रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया है, 1 and 2 ईयर्स आर बेस्ट। MB10 आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अदर एड्स में क्या आते हैं, सिंपल है। सिंपल मतलब इजी टू कैरी, इजी टू टेक द नॉलेज, जैसे मैनुअल्स हो गए, कोई भी एक आपने बुक ले ली, उसमें थोड़ा सा स्पीशीज के बारे में बता दिया, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होगी, प्रिजर्व होगी, लिखने के बाद क्या है, चीजें प्रिजर्व हो जाती है लॉन्ग टर्म तक के लिए। फ्लोरा, फ्लोरा का सिंपल मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स का हैबिटेट देख लो कि ये टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वेटिक है, ये एरियल है, ये कौन से क्लाइमेट में ज्यादा रहता है, रेनी सीजन, ऑटोमन सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, किस लेवल तक रिप्रोडक्शन होता है। मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज आते हैं, और अगर प्लांट हुए तो डिविजन, ठीक है। कैटलॉग मतलब पूरे एक एरिया में सारी स्पीशीज के बारे में लिख दो, अगर डॉग की है तो डॉग दो, कैट की है, ह्यूमंस की है, काउ की है, सबके बारे में लिख दो एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर। फाइनली स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कवर अप हो गया है। देखो लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक हम लोगों ने 1 गो में कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे कल मैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर 1 गो में ले लूंगी, फिर मैं एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर 1 गो में ले लूं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स का एक चैप्टर 1 गो में, बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी बच्चों को परेशानी आ रही है ना, आप सारे बच्चों का एक 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 चैप्टर में उठा लूंगी, पहले नहीं उठा पाए उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये सेशन ओवर करते हैं। आप जाने से पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, अगर इस बीच में भूल गए हो, बेल आइकन को हिट करोगे तो फर्दर नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगेन 1 ईयर and 2 year subscription is best. Subscription क्या है, best है, ठीक है। आप मेरा प्रोमो कोड यूज करिए MB10, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। करोगे स्टूडेंट्स, अगेन कह रही हूं, एक सब्सक्रिप्शन से आप जिस भी चाहे एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरे से पढ़ना है, मेरे से आप करो तो एक दो चैप्टर मुझे किसी और से पढ़ना है, यू कैन गो। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसमें 1 year and 2 year का बेस्ट है। आप मेरा कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक सुपर डुपर सेशन के साथ। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कर लेना और मेरे चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी को, अनअकैडमी मेरा चैनल, आपका चैनल, सबका चैनल, ठीक है स्टूडेंट्स।
टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।